बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हक नवाज है और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन प्रॉपर्टी चैनल। आज मैं आपको विज़िट करवाऊंगा आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट फेज़ टू को, AWT फेज़ टू। ये जाती उम्रा रोड पे आता है। जब हम अड्डा प्लॉट से जाती उम्रा रोड पे जा रहे होते हैं तो शरीफ कम्प्लेक्स से पहले राइट साइड पर नहर को हम क्रॉस करके दूसरी साइड पर जाएँगे तो हमारे सामने इसकी मेन एंट्रेंस आ जाएगी। ये हम ये नहर को क्रॉस कर लेंगे यहाँ से और यहाँ से हम इसमें एंटर हो जाएंगे। ये इसकी मेन एंट्रेंस है AWT फेज़ टू की। यहाँ पे पहले जो एंट्रेंस थी वो कुछ इस तरह की थी, जो इन्होंने अब तोड़ दी हुई है। फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ, पता नहीं फ्यूचर में उन्होंने क्या बनाना है, कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे ये इसका मेन बुलेवार्ड आ गया, 100 फीट रोड है। इसके लेफ्ट साइड पे डी ब्लॉक है। इस सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पार्ट वन जो है उसमें इसके रोड के राइट साइड पे AB C और C1, और इसका पार्ट टू जिसकी मैं वीडियो बाद में बनाऊँगा DE1 E2 F इन ब्लॉक्स की, ठीक है। अब यहाँ से हम राइट होंगे तो हम बी ब्लॉक वाली साइड पर एंटर हो जाएंगे। यहाँ हमारे सामने जो है ये लेफ्ट साइड पे बी ब्लॉक है और राइट साइड पे ए ब्लॉक है। ये 60 फिट रोड है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो प्राइसेस वगैरह रेट जो हैं। ए ब्लॉक में सारा एक नाल की कटिंग है। यहाँ पे जो एक नाल का रेट है ये तकरीबन 90 लाख से लेकर 1 करोड़ 30 लाख तक है। ये रेट इंटरनल स्ट्रीट्स का है, अंदर वाली रोड्स का है। इसी तरह जो 100 फिट रोड है मेन जो है उस पे शुरू से लेकर एंड तक जो इसकी बाउंड्री लगती है तोहिद ब्लॉक के साथ बहरिया टाउन के, वहाँ तक इसका रेट मुख्तलिफ है। मेन रोड के ऊपर तकरीबन 1.30-1.35 से लेकर कोई 1.60-1.65 तक है। ये लेफ्ट साइड पे ए ब्लॉक का कमर्शियल एरिया आ गया है। यहाँ पे ये स्टेटें वगैरह भी हैं, स्टेट एजेंसियाँ भी हैं। तो यहाँ से हम लेफ्ट हो जाएंगे तो इसका ए ब्लॉक का मेन पार्क आ जाएगा। यहाँ पे हर ब्लॉक में एक पार्क है और काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत पार्क बने हुए, अच्छे पार्क बने हुए हैं। जैसे ये 21.56 के नाल का पार्क है ए ब्लॉक का। यहाँ पे ओवरहेड वाटर टैंक भी है और यहाँ पे इसके ये सोसाइटी का छोटा सा ऑफिस बना हुआ है। यहाँ पे कोई किसी ने कोई कंप्लेंट करनी हो तो यहाँ पे कर सकता है। ये अब हम 60 फिट रोड पर आ गए। यहाँ पे ए ब्लॉक जो है इसके रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। ये सामने हमारे बी ब्लॉक आ गया, ये भी 60 फिट रोड है। अब हमारे इस लेफ्ट साइड पे ए ब्लॉक है और राइट साइड पे बी ब्लॉक है। यहाँ घर भी काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत बने हुए हैं। यहाँ से हम बी ब्लॉक में एंटर हो गए हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो रोड्स हैं ये ज़्यादातर जो रोड हैं ये 40 फिट रोड हैं। जो अंदर वाले रोड्स हैं वो 40 फिट हैं और इसमें बाकी एक 60 फिट रोड है जो ब्लॉक्स को कनेक्ट करता है, और इसके अलावा जो एक 100 फिट रोड है मेन बुलेवार्ड। ये बी ब्लॉक का मेन पार्क आ गया। ये काफ़ी खूबसूरत पार्क और काफ़ी बड़ा पार्क है, 63.6 कनाल का पार्क है। ये सोसाइटी का सबसे बड़ा पार्क है और काफ़ी खूबसूरत पार्क है। यहाँ पे भी टैंकी बनी हुई है पानी वाली और यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगा हुआ है जहाँ से साफ पानी मिल जाता है। ये इसका सारा ये कमर्शियल एरिया है। ये सीधा हमारा मेन बुलेवार्ड आ गया, 100 फीट रोड आ गया। यहाँ से हम राइट हो जाएंगे तो ये कमर्शियल के साथ साथ हम होते हुए आगे निकल जाएंगे। ये इसका सारा कमर्शियल, यहाँ पे स्टेटें वगैरह बनी हुई हैं।
और ये जो आगे ये जगह छोड़ी हुई है राइट साइड पे, ये बॉयज़ स्कूल है और कम्युनिटी सेंटर है, यहाँ पे बनेंगे। ये राइट साइड पे इसकी जामिया मस्जिद आ गई है बी ब्लॉक की। यहाँ से हम राइट साइड पे हो जाएंगे तो ये 60 फिट रोड आ जाएगा। यहाँ पे इसके राइट साइड पे बी ब्लॉक है और लेफ्ट साइड पे सी ब्लॉक है। बी ब्लॉक के मैं रेट बता देता हूँ, बी ब्लॉक के जो रेट हैं एक कनाल के, इसमें भी सारी एक कनाल की कटिंग है। बी ब्लॉक जो है यहाँ पे 90 लाख से लेकर 1 करोड़ 10 तक है। और इसी तरह बी ब्लॉक में एक कब्रिस्तान की जगह भी उन्होंने छोड़ी हुई है एंड पे। ये 60 फिट रोड से हम लेफ्ट हो गए, अब हम सी ब्लॉक में एंटर हो गए हैं। सी ब्लॉक में जो कटिंग है ये सिर्फ एक कनाल की कटिंग है। ये जगह इन्होंने छोड़ी हुई है पार्क के लिए, सी ब्लॉक के पार्क के लिए। ये सामने ग्रिड स्टेशन नज़र आ रहा है राइट साइड पे। तो यहाँ से सी ब्लॉक ख़त्म हो गया है, इसके आगे आ गया है C1 ब्लॉक शुरू हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड पे सी ब्लॉक है और राइट साइड पे C1 ब्लॉक है। C1 ब्लॉक में भी एक कनाल और 10 मरला की कटिंग है। C1 ब्लॉक में एक कब्रिस्तान भी है, काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है। और यहाँ पे जो एक कनाल का रेट है ये 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है। 80 लाख वाला वो प्लॉट होगा जो कब्रिस्तान के नज़दीक होंगे। तो इसमें 10 मरला जो है इसका रेट है, इसकी डिमांड है 60 लाख से लेकर 70 लाख। तो यहाँ पे 10 मरले में भी काफ़ी घर बने हुए हैं। ये सी ब्लॉक है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, ये देखिए ये लेफ्ट साइड पे सी ब्लॉक है और राइट साइड पे ये C1 ब्लॉक है। ये रोड सीधा चला जाता है बैरियर टाउन वाली बाउंड्री के साथ लगता है। ये राइट साइड पे हमारे ये 10 मरला वाले घर बने हुए हैं, प्लॉट शुरू हो गए यहाँ से। C1 ब्लॉक में भी पार्क की जगह इन्होंने छोड़ी हुई है। ये सोसाइटी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे घर काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई है। और यहाँ पे जो है ये इस जगह पे आ जाता है, ये C1 ब्लॉक का पार्क आ जाएगा। इसकी ये मेन पे फ्रंट पे कनाल की कटिंग है और उसकी बैक साइड पे पार्क की जगह छोड़ी हुई थी। तो यहाँ AWT सोसाइटी जो है यहाँ पे Phase 2 में काफ़ी आबादी हो गई हुई है, काफ़ी घर बन गए हुए हैं। तो ये सामने हम यहाँ से सीधा जाएंगे तो हमारे बैरियर टाउन के तौहीद ब्लॉक की बाउंड्री आ जाएगी। ये राइट साइड पे जो है ये अब एक कनाल की कटिंग शुरू हो गई है और ये लेफ्ट साइड पे ये सारे सी ब्लॉक के कनाल जा रहे हैं। ये सामने तौहीद ब्लॉक की बाउंड्री आ गई बैरियर टाउन के तौहीद ब्लॉक की, और ये सामने एफिल टावर यहाँ से नजर आ रहा है। अगर ये 100 फीट रोड सीधा खोल दिया जाए बैरियर टाउन की तरफ, वहाँ पे एक गेट बना हुआ है, तो इसमें काफ़ी इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी AWT की। तो ये रहने के लिए भी सोसाइटी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो उस लिहाज से भी काफ़ी अच्छी सोसाइटी। यहाँ से अगर राइट होंगे तो हम बैरियर टाउन वाले गेट आ जाएगा बैरियर टाउन का। हम यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे, ये 100 फीट रोड आ गया, मेन बुलेवार्ड आ गया। यहाँ से हम सीधा बाहर की तरफ निकल जाएंगे। तो सेकंड पार्ट की मैं वीडियो दोबारा बनाऊंगा, जिसमें ई ब्लॉक, डी ब्लॉक, E1, E2 और F ब्लॉक होंगे। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। ये यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो हम नहर के साथ साथ लेफ्ट साइड पे जाती उमरा रोड से होते हुए अड्डा प्लॉट की तरफ चले जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।
अल्लाह हाफिज़।